3 मई को राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। इसके बाद एक वीडियो शेयर कर ये दावा किया जाने लगा कि नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी अयोध्या के एक मंदिर गए, जहां लोगों ने उन्हें देख मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। आइए पहले ये वायरल वीडियो देख लेते हैं। लोगों ने ये वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया है, लेकिन हमने जब इस वीडियो की जांच की तो पाया कि ये दावा भ्रामक है। वीडियो के एक फ्रेम का रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें भाजपा नेता निशिकांत दुबे का ये ट्वीट मिला। इसी साल फरवरी में निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट किया था, जिसमें वो राहुल गांधी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि गोड्डा लोकसभा केवल प्रधानमंत्री मोदी में है। बता दें कि गोड्डा झारखंड में एक लोकसभा सीट है, जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी नेता निशिकांत दुबे करते हैं। आगे ढूंढने पर हमें रिपब्लिक भारत की एक न्यूज रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के लिए शर्मिंदगी का समय, जब झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ मंदिर से बाहर निकलने पर कांग्रेस नेता का स्वागत मोदी मोदी के नारे के साथ किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के देवघर में प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर में राहुल गांधी के प्रवेश के समय जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में जनता ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन अचानक ये नारे मोदी मोदी में बदल गए। इसके अलावा हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि रायबरेली से नामांकन भरने के बाद राहुल गांधी अयोध्या के मंदिर गए थे। कुल मिलाकर वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा भ्रामक है।